दिए अपन, मैंने कहा दे बिल्कुल मैक्सिमम लोग का हो, जी कि मैक्सिमम लोग का हो जाए फिर आज। जी, जिस किसी को भी, देखिए आज जो हमारा वेबिनार है वो है न्यूमोलॉजी कंसल्टेशन के ऊपर, कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएगी आपको, तो प्लीज जिन जिन को जो भी क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेस कर ले, तो एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत, समय कम है जी। और क्वेश्चन एक ही लिया जाएगा किसी का भी, तो एक हाँ, ही क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपको मेन सवाल है वही पूछिए आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए हमारे लिए। हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और स्पेसिफिक क्वेश्चन बताइए, तो डायरेक्ट आपको उसके क्वेश्चन का, और कोशिश यही करें कि जो अब पहली बार आए हैं वही अपना हैंड रेस करें, जो पहले ले चुके हैं उनको वो नहीं आए प्लीज। जी रीता साहू जी प्लीज अनम्यूट करें, और इफ पॉसिबल अपना कैमरा ऑन रखें तो हमें थोड़ा बात करने में इजी रहता है। जी रीता जी, रीता साहू जी, पायल अरोड़ा जी, जी पायल ओम साई राम, ओम साई राम जी, बोलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 12 जनवरी 1993। आपकी ना दीदी? हाँ जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी सर मेरी है 12 जनवरी 1993। हाँ जी सर, मुझे पूछना है एक, मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और प्रेगनेंसी अगर मैं, कोई इशू तो नहीं है? मैरिड लाइफ में स्ट्रगल दिख रहा है दीदी आपके। ओके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई लेवल पे स्ट्रगल रहेंगे मैरिड लाइफ में आपके। मैरिड होगी कि होने की आपकी? अभी नहीं हुई। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे, क्या हो रहा है? सर एक्चुअली भी मैं खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, एक्चुअली भी मुझे ये है कि मैं खुद स्टैंड होता हूँ तभी ताकि आगे कुछ लूँ, ऑप्शन स्टैंड लूँ। मेरी जॉब भी नहीं लग रही, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मतलब अराउंड 8 ईयर्स हो गए मुझे जॉब के लिए। आपको अभी फाइनल क्या किया दीदी, अब शादी करना है नहीं करना है, क्या सोच के रखे आपने? पर करनी है, बट मुझे स्टैंड पहले खुद भी अपना स्टैंड हो जाऊं मैं, तब जाके करना चाहती हूँ। आपकी एज कितनी दीदी आपकी, अभी क्या रनिंग की चालू है आपकी? 28 है, 29 अब हो ही जाएगी 2-3 डेज में। जैसे आपकी 29 ईयर, जैसे आपकी 12 जनवरी को 29 हो जाएंगी ना, 4-5 दिन के बाद में। हाँ जी हाँ जी, जो रनिंग आप मेरे जो मेरा जो गणित बोल रहा है, आपका नेक्स्ट बर्थडे आने के पहले, नेक्स्ट टाइम 23 वाला 22 23 वाला बर्थडे आने के पहले आपकी शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे के बीच में आपके चांसेस बहुत अच्छे शादी के। ठीक है सर, कोई रिश्ता है तो कर लेना, ये टाइम पर अच्छे रिश्ते आते हैं, जो इवेंट आ रहे हैं ना ये टाइम पर रिलेशन या तो रिश्ते अच्छे बहुत अच्छी कैटेगरी के आते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मतलब आफ्टर लाइफ मुझे ज्यादा स्ट्रगल रहेगा या थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा? कैसे ये जो शादी की जो बात है ना दीदी, आपकी इसमें मुझे स्ट्रगल दिख रहा है। कई बार क्या होता है, जो आपका पार्टनर रहता है ना उसकी इसमें अगर शादी का अच्छा सुख है तो लाइफ का स्ट्रगल 50% वो कम कर देता है। तो शादी और बच्चों के लिए तो हस्बैंड वाइफ दोनों की देखना पड़ता है, तो आप किस में तो दिखा रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है आपकी जो फ्यूचर जो आपका हस्बैंड है उसमें स्ट्रगल कम हो, तो उसके वजह से भी थोड़ा फर्क गिरता है प्रेडिक्शन करते समय। ठीक है, और मैं जॉब के लिए क्या कर सकती हूँ? जॉब के लिए क्या कर सकते हो, या जॉब करूँ बिजनेस करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इंडिसिजिवनेस बहुत ज्यादा है मुझे। नाम क्या है दीदी आपका? पायल अरोड़ा। करेक्शन कराएगी, वही नेम चालू है आपका? अभी तो नेम तो यही कंटिन्यू ही है सेम। आपका जो एक्चुअली जो नेम नंबर 9 पे आ रहा है जिसकी वजह से आपको शादी में इशू आ रहे हैं, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपके पापा का नाम क्या है? संजय अरोड़ा सर। एक्चुअली मैं ऐसा ही है कि पेरेंट पापा ना मुझे जॉब करने के लिए अलाउ नहीं करने देते, इसलिए। ये जॉब तो आप करोगे आज नहीं कल करना पड़ेगा, हो सकता है शादी के बाद करो, जॉब तो करने मिलेगा आपको, जॉब की चिंता मत करो। मेरे हिसाब से जो शादी का जो अभी टाइम बना है शादी कर लो आप, शादी के बाद आपकी जो फ्यूचर हस्बैंड रहेंगे उनके नसीब में कोई अच्छी ग्रेड रहेंगी उसमें आपको सपोर्ट भी मिलने के चांस बनेंगे। अभी आपको फैमिली सपोर्ट बहुत कम दिखा रहा है, आपको जो नंबर है ना वो फैमिली सपोर्ट बहुत कम दिखा रहा है, आगे जाके अगर चेंज हो गए आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ की वजह से तो फिर कुछ फर्क गिरेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये शादी का ये जो इवेंट है कर लो आप शादी का। ओके ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू पायल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
जी नरेंद्र जी, नरेंद्र यादव जी, नरेंद्र यादव जी प्लीज अनम्यूट करें। ओम साई राम। ओम साई राम जी बोलिए। सर डेट ऑफ बर्थ 19 19 आप वीडियो बंद कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 19 अगस्त 1999। वापस बोलिए सर। 19 अगस्त 1999। 1908 1999। क्या पूछना है सर? हेल्थ इश्यू पूछना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना है। 22 में हमारे लिए 2022 कैसा रहेगा? 2022 अच्छे जाएंगे, फरवरी या मार्च के बाद से अच्छे जाने के चांसेस है। पिछले 2-3 साल आपके बेकार गए होंगे, लेकिन अभी जनवरी के फरवरी के बाद से टाइम अच्छे जाने के चांसेस चालू हो रहे हैं। शरीर के बारे में क्या बताया आपने? शरीर हालत खराब है सर। हेल्थ के बारे में नहीं बताते हैं, हेल्थ के अलावा बताते हैं केवल। थैंक यू नरेंद्र जी। जी रोवी जी। यस मैम। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर ये आपने लास्ट टाइम बोला था कि नाम 3 और 5 पे लेके जाओ, पहला नाम 3 5, तो ये अभी बराबर है क्या? रोवी कुटिनो अभी अपने चेक के लिए पहले नाम 3 पे आ रहा है ना आपका? 3 पे आ रहा है सर पहला नाम। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 21/11/1976 है। एक में चार रखिए, 21/11/1976 है ना आपका? यस। फर्स्ट नेम 3 पे, कंबाइन नेम 5 पे आ रहा है ना आपका? या यस। हाँ तो परफेक्ट है, फिर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। इसको आप रोज प्रॉपरली लिखिए और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने फेसबुक पेज को अपडेट कीजिए। रोज लिखिए आप 50 बार ग्रीन पेन से, 50 बार नहीं होता तो 32 टाइम्स लिखिए, लेकिन रोज उसको लिखिए, जरूर लिखना जरूरी है। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी वनीता भाटिया जी प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते दीदी, बोलिए। सर मेरे को अपनी डॉटर के लिए पूछना था। मेरी डॉटर के लिए 3/10/1980 बरोबर जी सर। शादी में कोई तकलीफ है क्या इसके? हाँ उसकी शादी अभी 3 साल पहले हुई है, पर दोनों में इतनी बनती नहीं है और उसको जॉब भी नहीं। आपने मुझे सवाल नहीं पूछे, मैंने आपको बोला इसकी शादी में तकलीफ हो है क्या, क्योंकि शादी के इशू को क्लियरली दिखा रहे हैं। आपको न्यूमरोलॉजी आती है क्या? ज्यादा तो नहीं सर, आपके ही थोड़ा बहुत देखा है मैंने, ज्यादा नहीं। मैं आप लोगों को बोलते रहता हूँ 276 जब भी मिसिंग रहेंगे मैरिज में इशू क्रिएट करते हैं। आपकी बच्ची के क्रीम में 276 पूरा अब्सेंस है ना, और जो रो है इशू क्रिएट हो रहे हैं। क्या पूछना चाहते हो इस बच्ची को लेके? बोलिए। बस इसका कि इसका फ्यूचर और इसको जॉब भी नहीं मिल रही है, तो ये क्या है, मतलब क्या रहेगा? आप कुछ जॉब कौन सी फील्ड में करना चाहती है बच्ची आपके? पहले तो ये उसमें थी, गेमिंग फील्ड में थी शादी से पहले। हाँ। पर शादी हुई तो फिर इसको वो जॉब मिली नहीं, और अब वो डिजिटल मार्केटिंग में करना चाह रही है। अभी नहीं मिलेगी इसको, अप्रैल तक जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रैल के बाद इसको जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जॉब तो इसको पक्का मिल जाएंगे, जॉब की चिंता नहीं है, लेकिन जो मैरिड लाइफ की जो बात बता रहे उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्प्रूवमेंट की चांसेस है। लेकिन जॉब का जो सवाल है आपका, जॉब इसको अप्रैल के बाद मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। ये क्या खुद का भी कुछ कर सकती है ऐसा, कि अगर ये खुद का कुछ करना चाहे फ्रीलांसिंग जैसे? कर सकती है ना, इसके अभी जो नंबर है ना, अभी फिलहाल इसके अच्छा टाइम चालू हुआ है, खुद के दम पे पैसे कमा सकती है। खुद का बिजनेस हो गया, कोई भी चीज खुद के दम पे करेंगे ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि बच्ची के लिए। आपके खुद के नाम से करना चाहिए ऐसा? खुद के नाम से या खुद के दम पे? खुद के दम पे है ना, खुद के करेगी तो खुद के दम पे ही करेगी जो भी। हाँ जी करने बताइए। देखो मैरिड लाइफ में कुछ रखा नहीं है, रखा नहीं मतलब वहाँ पे वो झंझट चलती रहेंगी, उस पर फोकस करने से अच्छा अपने कैरियर पे फोकस करेंगी बच्ची आपकी, तो अपने पैरों पे खड़ी होगी ना, तो उसके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी भी आएंगी। उसका जो मन उदास रहता है, दिन भर सोचना, वो सब तो दूर होके
पॉजिटिव वाइब की तरफ वो चली जाएंगी बच्ची आपकी, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी और एकदम से मतलब वो हाइपर जैसे हो जाती है, कुछ भी बोलो आपके, ना आपके बताने के लिए खुद ही बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही बता रहा हूँ। नंबर्स बता रहे हैं ना मैडम, नंबर्स बता रहे हैं। मैं इसका बता सर, दो चीज मेरा याद रखी है, तो शादी की जो बात है उसमें आप उसको सोचना बंद करो तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आपके बच्चों को बोले कुछ भी काम, घर के बाहर निकल के कोई भी काम कर, जैसे घर के बाहर निकलेंगे ना उसका माइंड भी फ्रेश होगा, जो चिड़चिड़ापन है जो फ्रस्ट्रेशन है ये सब तो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगी, आपकी बच्ची बिजनेस अच्छे से कर सकती है। ठीक है सर, तो ये घर खरीदना चाह रही है? अभी नहीं है, टाइम होने का है दीदी उसका, 2024 के आसपास आएगा। अभी खुद के पैसे से बात करें ना, खुद के पैसे से या मतलब मैं हेल्प कर सकती हूँ उसको, क्योंकि अभी जिस घर में रह रही है वो भी मेरा ही मतलब लिया हुआ है। खुद के दम पे तो टाइम है और आपने हेल्प कर दी फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है, लेकिन खुद के दम पे तो मुझे नहीं लगता कर पाएंगे अभी। अच्छा ठीक है, मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं आपसे? आज मेरे हस्बैंड नहीं, आज एक ही ले रहे थे, एक ही ले रहे हैं, कल भी वेबिनार करा जाना, कल बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इसका कुछ करना चाहिए, कुछ उपाय बता सकते हैं आपको? उपाय बताया मैंने उसको, जो दो चीज बताया ना उपाय संभाल लो उसको, उसको बोलो हाँ जी हाँ जी, काम करना चालू कर, माइंड फ्रेश होगा उसको, बाहर जाके कुछ ना कुछ भी करेंगे ना, नौकरी तो उसके अप्रैल के बाद मिल जाएंगी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद कुछ करेंगी तो ज्यादा अच्छा उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दिव्या जी प्लीज अनम्यूट करें। ओम साई राम जी, मेरा जो ओम साई राम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1981। मुझे क्वेश्चन एक तो अपना पूछना था बिजनेस का, कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, प्लस लाइक मैं अभी सिंगल हूँ, एज इन मतलब डाइवोर्स हूँ, और एज सच अभी मतलब मेरी सिंगल काफी टाइम से सिंगल ही चल रहा है, तो लाइफ पार्टनर कोई अच्छा आएगा या नहीं आएगा, मुझे मेन ये दो क्वेश्चन ही पूछना। टेक्नोलॉजी आती है दीदी? नहीं, जैसे मैं लोगों को बताता हूँ 276 जो नंबर थे डेट ऑफ बर्थ में, वो आपके इसमें भी मिसिंग है, जैसे इसके ब्रो दीदी आई थी ना उनके बच्चे इसमें 276 नहीं थे, और आपके इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि 276 जो मेरिट का सूख दिखाते हैं ग्रिड में वो आपके इसमें पूरा मिसिंग है, जिसकी वजह से आप चाहो कितने कोशिश कितनी करो लेकिन मेरिट में कहीं ना कहीं उस लेवल पे स्ट्रगल आते हैं। ओके, आपने कोशिश तो की होंगे लेकिन तो भी वो ताना बाना बनता ही नहीं, हमेशा वो उत्तर पूर्व पश्चिम में भटकते रहता आदमी और काम होता नहीं है वो। ये होता है, ये वो एक रीजन है। न्यूमरोलॉजी सीखे एकदम बहुत ही मजा आती है ना, आपको यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल पड़ा है तो आपको मजा भी आएंगे और आपको खुद को धीरे धीरे समझने लगेगा। बोलिए सवाल क्या दीदी आपका, बोलिए। बिजनेस का पूछना था मुझे, मेरा बिजनेस मतलब बीच से ठीक चल रहा था और बिजनेस से करियर भी मेरा कुछ सेटल रहता नहीं है, ऐसा क्यों? बटर लगाना आता है आपको? क्या लगाना? बटर लगाना, प्यार से बातें करना, तो उसको बटरिंग। हाँ हाँ, थोड़ा ज्यादा करूँ? यही तो नहीं होता ना, मेरे से बटरिंग नहीं होता। ये करना पड़ेगा, देखो जो आपकी कमी है थोड़ी सी, मैं आपको बिना देखे बटरिंग करूंगे, धंधे भी है और बाकी सब्जी के थोड़ा अच्छे से काम कर पाऊंगे आप। देखो आज की तारीख में कलयुग के लोग अपन इसको गधे को गधा बोलते हैं ना, उसको बहुत गुस्सा आता है, घुमा फिरा के गधा बोलना, ये नहीं बोलता अपनी बात मत रखो, लेकिन ऐसी बात रखो सामने वालों को समझ भी जाए, उसको बुरा भी नहीं लगे। तो बटरिंग करने का ये तो मतलब नहीं कि उसके, लेकिन कुछ ऐसा बोलिए जो सामने वालों को बुरा नहीं लगे और आपका भी काम हो जाए। पहली बात तो ये नेगेटिव चीज है आपकी इसमें, उसको थोड़ा कोशिश कीजिए धीरे धीरे करके, एक दो दिन में नहीं होता, सालों साल लगते इंप्रूवमेंट में, कोशिश कीजिए जितना कम हो सकता है उतना कीजिए आप। कैरियर कौन सा काम करते हो दीदी आप? मैं पहले तो जॉब करती थी, अभी मैंने सैलून ओपन किया हुआ था 3-4 साल से। पार्टनरशिप में खुद के दम पे है? नहीं नहीं, मेरा अपना खुद का था, खुद पे था। सलून की जो आपको तकलीफ में है अभी 3-4 महीने और तकलीफ है, जैसे ये मार्च के बाद आपको ये सलून फिर से अच्छे कमाई देना चालू कर देगा, थोड़ा उसका रिनोवेट कराइए, हो सकता है बहुत दिन से आपने जैसे का वैसे रखी, जहां तक मेरा को दिख रहा है कि ज्यादा कोई रेनोवेशन या उसमें कुछ पैसा प्रमोशन कीजिए या तो फिर वैसे कोई पब्लिसिटी करनी जरूरत है, ये फिर से चालू हो जाएगा आपका। मेरा बाहर जाने का कोई चांसेस है, मतलब बाहर का कुछ है चांसेस वगैरह, क्योंकि मेरे को लगता है मतलब मैं ट्राई करती रहती हूं, कुछ चांसेस है मेरे? जो भी चांसेस है इसी साल है आपके 2022 एंड तक, जो भी चांसेस है आपके मार्च 2022 से लेके अप्रैल 2023 के बीच में चांसेस बन रहे हैं अच्छे वाले, ये टाइम में कोई चांसेस है। रिलेशनशिप के मैटर से जाऊंगी या फिर लाइक वैसे बिजनेस या कोई जॉब के अकॉर्डिंगली जाऊंगी? जहां तक मैं देख पा रहा हूँ रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा दिख रहा है।
तो बट आपने बताया रिलेशनशिप में मेरा वर्क ही नहीं करता, तो मेरे को कर लेना चाहिए स्टेप ये। अपने इसमें बोलते ना शादी का लड्डू खा के भी अच्छा नहीं बुरा भी नहीं, तो दोबारा मेरा तो मेरे लिए तो दोनों ही गड़बड़ है ना, मैंने खाया तो भी गड़बड़, नहीं खाया तो भी गड़बड़। तो देखिए एक बार देखिए, अभी आपकी लाइफ बहुत बड़ी है तो एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, और आपको थोड़ा जो आपकी जो थोड़ी कमियां है थोड़ा उसको भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, तो वो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता शादी में, तो थोड़ा वहां पे भी ध्यान दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। आप लोग आप सिखाते हैं न्यूरोलॉजी? हाँ दीदी, मैं बेसिक नहीं सिखाता हूँ, मैं सिर्फ प्रेडिक्शन पार्ट सिखाता हूँ। बेसिक में तो बहुत सारी चीज यूट्यूब में आपको वहां से मिल जाएगी, नहीं समझा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ पुरुषोत्तम जी, हेलो, सर नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ राजू जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ हाँ डेट ऑफ, सर मेरे को मेरे बेटे के लिए पूछना है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1993। आपकी बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रही है, क्लियर बात आवाज समझ में नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ बोलिए। बोल रहे कि मेरी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1993। 1993 की सिक्स बोले सर आपने? 1993 बरोबर। बेटा है ना आपका? जी बोलिए, क्या पूछना आपको? शादी के बारे में पूछना। शादी इसकी अभी जुलाई से, मुझे जून के से बात इसके रिश्ते आने चालू हो जाएंगे आपको, अप्रैल से टाइम चेंज हो रहा है। हाँ इसी जून से अप्रैल से टाइम चालू हो रहा है इसका, ठीक है सर। और दिसंबर 2023 तक इसका टाइम है शादी का, उसके बीच में कभी भी शादी हो सकती है बच्चे की आपकी। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। दिव्या जी आपका हो गया क्या? दिव्या जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको, आपका हो गया ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। मैं श्रद्धा बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए दीदी। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मेरा बर्थ डेट है 16 दिसंबर 1982। 16 दिसंबर 1982। हाँ हाँ बोलिए, सवाल क्या आपका? सर मैं ना ऑकल्ट साइंस में ये न्यूमरोलॉजी टैरो सीखी हुई हूँ, लेकिन ना मेरा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ये कंसल्टिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं। आपकी बात, आप कुत्ता भी सीख लो, सीखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपको करने का सीखो, करना कैसे, क्योंकि आप सीख तो सब लेते हो लेकिन कैसा है जब करने जाते हो तो आपका फुग्गा की हवा निकल जाती है। हाँ हाँ, तो ये हाँ नहीं, ये आपके लोगों की तकलीफ क्या है, आप सोचना बंद कर दो, बिना सोचे कर लो, आपका काम में सक्सेस, मुझे आपको फायदा तो पक्का मिलेगा, इतना बोल सकता हूँ मैं। ये काम आपकी ग्रीड ऐसी नहीं कि आप ये काम में, हाँ थोड़ा ना कॉन्फिडेंस लेवल कम है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है आपका, ऊपर से क्या है आप दूसरे की बातों में जल्दी आते हैं, आप खुद के दम पे कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके, लेकिन ये साल में स्टार्ट कर सकते हो ना सर कंसल्टिंग? बिना सोचे समझा भी स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको देखो मेरे आपकी प्रॉब्लम क्या लग रही है। देखो कभी कभी आप लोगों को बताते हैं, लोग जितने लोग मिलते हैं आपको, अपने पास सब तरह के तीर चाहिए, लेकिन भैया सब तरह के तीर नहीं चाहिए, अपने को एक तीर अच्छे चलाना आना चाहिए। आपने इतनी सारी विद्या ली हो, लेकिन कोई भी एक विद्या को अगर अच्छे से आप मास्टर बन जाओगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, एक तीर भी अगर प्रॉपर चला सके ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएंगी, ये काम बहुत अच्छा सूट करता है आपको। ओके, ये काम है आप बिना सोचे, आप सोचना बंद कर दो, करना चालू कर दो, बस कोई नहीं रुका सकता आपको।
ओके ओके और उसके लिए कोई मन देखना नहीं है, हर दिन आपके लिए अच्छा ये काम के लिए PY8 PY9 जो भी चालू होगा आप कर लो, उसकी उसकी चिंता मत करो। ओके ठीक है, बिना कर दो, आपके ग्रेड बहुत अच्छी है ऑकल्ट साइंस के लिए। हाँ हाँ सर, मेरा घर कब तक होगा खुद का? अपना नेम नंबर क्या है, फर्स्ट नेम कहाँ पे यार आपका दीदी? श्रद्धा। नेम नंबर कहाँ पे आ रहा है, चेक किया कि आपने पहला नाम कहाँ पे आ रहा है? मेरा पहला नाम 7 पे आ रहा है सर। और कंबाइन नेम? कंबाइन नेम मेरा पूरा 8 पे आ रहा है। सबसे पहले उसको करेक्शन करो, दोनों नेम 5 पे ला लो या तो 3 और 5 पे ला लो आप। ओके ओके, आपको बहुत कॉन्फिडेंट भी लेवल बढ़ जाएगा आपका, आपकी जो प्रॉब्लम है भी दूर हो जाएंगी। सर मेरा घर कब तक हो जाएगा खुद का, मेरा घर मुझे ये भी पूछना है। दीदी अभी तो नहीं दिखा रहा है घर को, टाइम लगेगा आपको 2023 या 24 में अच्छे टाइम आएगा, फिलहाल तो ये टाइम पे थोड़ा मुश्किल है घर बनना आपका। ओके ठीक है, ठीक ओके ओके, थैंक यू सर। तुम क्या आदि क्या? जी जी जी, रीता साहू जी प्लीज अनम्यूट करें। रीता साहू जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हेलो जी 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 बोलिए जी। सर 7 3 1977 77 डेट ऑफ बर्थ है। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने पिछली बार बोला था कि अपना नाम 5 पर लेकर आओ और 9 पे है इसलिए ऑपरेशन ज्यादा हो रहे हैं या हो जाएंगे और आगे, तो वो कैसे लाना है मुझसे तो बन नहीं रहा। आपको न्यूरोलॉजी आती है ना, बहुत आसान काम है। नहीं बन रहा है कुछ, बहुत सारा आगे पीछे सब कुछ लगा के कोशिश करके देखा नहीं हुआ। ठीक है, आप मुझे कल व्हाट्सएप कर देना, मैं कोशिश। मैंने किया था सर, फिर रिप्लाई नहीं आया था तो मैंने फिर से पूछूं तो। नहीं नहीं, मैं भूल गया हूं, नॉर्मल रिप्लाई कर देता हूं मैं सब कुछ। अपने कोशिश कीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं बन रहा है क्या? नहीं, कैसे बढ़ाए कैसे आगे करें बस नहीं आ रहा। ठीक है, चिंता मत करो, आज रात को मुझे 10 बजे व्हाट्सएप करो, मैं करा दूंगा रात को, टू नाइट नाइट में भेज दूंगा आपको करके मैं। ठीक है हाँ सर, वही कैरियर के लिए पूछना था कि जैसे क्लाइंट क्लाइंट क्यों नहीं आते इतना सब कुछ होने के बाद। देखो एक्चुअली जो आपका नेम नंबर वही आपकी बहुत एंटी है, उसकी वजह से बहुत है उसका, तो कैरियर का जो नहीं आते उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपनी पब्लिसिटी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो या तो फिर अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल है, जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ मैं सब इजी वे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई अलग कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं कर रही है। उसमें आप प्रैक्टिस करो, जो भी काम करो उसमें प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको सब अंदर से जब आता है जब इसमें मजा आती है। जो काम है ना ऐसे कोई अपने दिमाग का काम नहीं है, ये अपने सोल का काम है, अपने हार्ट का काम है, अपने अंदर से जो चीज आएंगी बहुत एक्यूरेट जाएंगी। प्रैक्टिस करो आप लोग तो जब इजीली बनेगा। एक ही चीज की प्रैक्टिस करो, 10 चीज सीखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज अच्छे से लो जो आपको अच्छे से समझ में आ रही है उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ये सब चीज इजी हो जाएंगे आपके लिए। जी ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू जी 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 जी। नेक्स्ट लेने पर जी 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 पता दिखा दीजिए। देखिए जिस तरीके से अजय जी प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं, आप भी न्यूमोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी इस तरीके की प्रेडिक्शन कर पाऊं तो हमारा अपकमिंग क्लासेस आ रही है, 3 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप है। जो हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो 10, 11 और 12 जनवरी के हैं। टाइमिंग इनका रहेगा 8:15 से 10:15, 6 घंटे आपको हमारे को देने हैं और आप भी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं आप और निपुण होते जाते हैं। तो इस तरीके से 3 डेज की ये ऑनलाइन वर्कशॉप है। इसके अंदर कोर्स कंटेंट के बारे में आपको बता दूं कि आपको इसमें क्या क्या बताया जाएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड लेने प्लीज। 3 डेज की ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, इसमें सिखाया जाता है प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। जैसे कभी भी किसी क्वेश्चन को आपने सर के वेबिनार्स में देखा होगा, सर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 से 9 के बीच में एक संख्या बताएं, जो भी वो एक अंक बताता है उसके अनुसार प्रिडिक्शन की जाती है। ये आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। डेशनी साइकिक नंबर अपडेट कंपेटेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से 81 कॉम्बिनेशन में कुछ फेरबदल हुए हैं जो इनकी खुद की रिसर्च है।
जिसके आधार पर आपको प्रेडिक्शन करने में इजी रहता है, वो भी आपको पूरा बताया जाएगा। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, जैसे अभी एक मैम थी उनका इवेंट बन रहा था शादी का, तो उससे उनके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट बन रहा है, तो कैसे एक डेट ऑफ बर्थ से पॉजिटिव इवेंट या नेगेटिव इवेंट निकाले जाते हैं, या एक डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल इवेंट निकालने का कौन सा तरीका होता है, उसके पूरे में भी पूरी की पूरी चर्चा की जाएगी। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, किसी की भी लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं, सेटलमेंट एरियाज होते हैं, ईयर्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, कौन सी वो बेसिक बातें हैं जिससे आप अपने क्लाइंट्स का विश्वास जीत सकते हैं, किस तरीके से उनसे क्वेश्चन लेना है और किस तरीके से उनकी प्रिडिक्शन करनी है ताकि आपकी प्रिडिक्शन मोर एक्यूरेट बैठे, पूरी पूरी चर्चा इसके विषय में भी की जाती है। उसके बाद आपको किसी को इसमें कोई अपने क्लाइंट अपने पास आते हैं, किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, अपने थोड़ा अपने को आइडिया रहना चाहिए कि सामने वालों को क्या चाहिए, तो अपन जो ग्रिल टिक की भी बता सकते हैं कि भैया किसको बच्चा होगा, किसको लड़की की होगा, किसको लड़की की होगा, ये सब भी अपने ग्रिल से अपने पता चल जाते हैं जी। जैसे मैंने आगे पूछो तुम जी। हाँ सर बोलिए 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 अभी आप जी जी जी। इस तरीके से अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के बारे में भी बताया जाता है कि आपकी ग्रेड में वो नंबर है या नहीं है, इसके अलावा फैमिली सपोर्ट के नंबर आपकी ग्रेड में है या नहीं है उसके बारे में बताया जाता है आपको। किसी की भी ग्रेड को देखकर आप बता पाएंगे कि आपके पास फैमिली सपोर्ट के नंबर है या नहीं है, या आप सेल्फ मेड में बनेंगे। इसी तरीके से मनी फ्लो के नंबर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, आपकी ग्रेड में मनी फ्लो के नंबर है या नहीं है, ये भी आपको बताया जाएगा। जब भी आपको जैसे कभी समझ में नहीं आता अपने को मल्टीपल रिलेशनशिप यानी किसी के मल्टीपल अफेयर हो जाते हैं, कोई कोई बच्चे की लाइफ में ज्यादा बच्चे या कोई बड़े लोग किसमें भी लाइफ में ज्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाती है, उसकी मैरिज की लाइफ में इश्यू आता है। इसी तरीके से मल्टीपल रिलेशनशिप और मल्टीपल बिजनेस के बारे में क्या बात है, कौन से ऐसे नंबर इंडिकेट करते हैं कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, इस तरीके से पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के नंबर है या नहीं है, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर आपके पास है या नहीं है, उसके बारे में भी बताया जाता है। प्रिडिक्शन ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन 2000 और आफ्टर 2000, इसका मतलब ये सीधे से है कि आपने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है लेकिन ग्रिड आती है तो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी ग्रिड में बहुत ही कम नंबर है, तो इतने कम नंबर वालों को किस तरीके से प्रिडिक्शन की जाए, तो वो भी आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि कौन से वो हिडन नंबर है जो आपके डेट ऑफ बर्थ में रहते हैं या किस तरीके से आप उस अपनी ग्रिड को भर सकते हैं। इसके अलावा 5 एडिशनल बोनस ट्रिक्स भी दी जाएंगी जो कि हिडन है, वो हम आपको पेड कोर्स के अंदर बता देंगे। 6666 एनर्जी एक्सचेंज है, 3 दिन की ये वर्कशॉप है। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आपको प्रिडिक्शन करने में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आपको ये वर्कशॉप जरूर अटेंड करनी चाहिए। स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है 9993695, कॉल करिए, सीट बुक करिए 9993695। कोर्स से रिलेटेड या और किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7666555017। बैंक डिटेल आपके सामने है, आप जिस ग्रुप से भी हैं उस ग्रुप में आपको और डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज के अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करिए। आपको सर की तरफ से 11 से 12 बजे के बीच में लाइफ टाइम सपोर्ट की व्यवस्था है, आप जिस भी ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए आपका आंसर आ जाता है। इसके अलावा आपको कंप्लीट PDF दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, बहुत ही अच्छी वर्कशॉप है प्रेडिक्शन के लिए, बहुत ही आपको मददगार बनेगी, तो प्लीज ज्वाइन द क्लासेस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जी सर बोलिए। सुमन अरोड़ा जी का ले लेते हैं जी। सुमन अरोड़ा जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी बोलिए सर। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। बेटा कौन बताइए। हाँ जी, 22 अगस्त 1997, 4 and 2। क्या पूछना बोले दीदी।
मुझे इसका ये पूछना था कि ये बाहर सेटल होगा या इंडिया वापस आएगा? बेटा है क्या आपके पास? अभी नहीं है? हाँ जी, क्या कह रहे सर? बेटा आपके घर में है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बाहर है, अमेरिका में है। पढ़ रहा है अभी तो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है अभी उसने, तो मास्टर्स कर रहा है अभी, लास्ट सेमेस्टर रह गया, साथ साथ जॉब भी कर रहा है। अभी तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, ये आएंगे तो 40 साल के बाद ही आएंगे भारत में अपने काम करने के लिए, जब तो पहले का जो फेसेस के लाइफ का बाहर ही में मुझे सेटल दिखा रहा है इसका। तो उसका करियर ग्राफ कैसे रहेगा सर? करियर इसका बहुत अच्छा रहेगा, 40 साल तक तो इसकी जंप ही रहेगी, इसके बाद एक स्ट्रगल आगे मेहनत करके आगे आगे जाते रहेगा। ये ऐसे नहीं बोलूंगा कि एकदम स्मूथ लाइफ चलेंगी, लेकिन हर स्ट्रगल के बाद आगे जंप मार के आगे जाएगा, उसका हर जंप मार के आगे जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। 40-42 साल तक अच्छा सेट हो जाएगा आपका लड़का। तो सर ये यूएस में सेटल होगा या कहीं और आसपास जैसे न्यू जर्सी या कुछ? जो 40-42 साल तक तो कहीं ना कहीं रहेगा सेटल होने में, फॉरेन में कहीं भी हो सकता है, यूएस में भी अच्छा है, यूरोप भी इसके लिए अच्छा है, तो जर्मनी और भी काम कर सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं, इसको फॉरेन में कहीं भी चलता है। तो सर अच्छा एक क्वेश्चन और था कि क्या सर इसके पेरेंट्स इसके पास रहेंगे या मतलब अकेला ही रहेगा? ऐसे जो बच्चे जो आते हैं 4-2 वाले कॉम्बिनेशन, अपने पेरेंट को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और साथ में रहने की कोशिश करते हैं, तो जहां तक मैंने जितने सारे ग्रेड देखा ऐसे लोगों के, ये लोग अपने पेरेंट के साथ में रहना प्रिफेर करते हैं, कभी कभी बाय चांस बोल सकते हैं, लेकिन जितना कोशिश करते कि पेरेंट के साथ में रहे, तो चांसेस ज्यादा है इसके लोगों पेरेंट्स साथ में रहने के। ओके, तो सर फिर पेरेंट्स तो जैके से जाएंगे ना बाहर, उनको तो फिर वीजा नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा ना, तो कैसे बताइए? यही कि घूमने के लिए 6 महीने के ऐसे ही होगा फिर चले जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा सेटल होता है तो वो कुछ ना कुछ करता है, 6 महीने गए, 5-6 महीने गए, ऐसे मैक्सिमम टाइम चाहता है बच्चा, देखो बच्चे की चाहना अलग चीज हो जाती है ना, बच्चा अपन चाह रहा है कि पेरेंट्स के साथ रहूं, पेरेंट्स को वो बहुत अलग चीज हो जाती है, तो चांसेस बनते हैं ज्यादा टाइम आपका उनके साथ कंज्यूम होने के। अच्छा सर एक बात बताइए, इसका जैसे दीपांश अरोड़ा, तो उसका नाम हमें चेंज करना चाहिए, जैसे DEE है तो DEI कर दें इसका, दीपांश ए अरोड़ा कर दें तो? अगर फर्स्ट नेम 6 पे कंबाइन नेम 5 पे लाऊंगा ना, इसकी लाइफ में एक अच्छा ग्रिप मिलेगा और लाइफ में कभी कुछ कमी नहीं आएंगी। सर कितने पे लाएं इसका नाम हम? फर्स्ट नेम 6 पे, कंबाइन नेम 5 पे। सर अगर मैं इसका DEI कर दूं तो 5 पे आ रहा है इसका, 32 आ रहा है टोटल दीपांश का। कंबाइन नेम कितने पे आ रहा है फिर? कंबाइन नेम अगर मैं ए अरोड़ा डाल के करूं तो 46 आ रहा है जिसका बन आ जाएगा। वो नहीं चलेगा, मेरे को 56 चाहिए या तो 65 चाहिए, तो कुछ भी चलेगा। ओके ओके, वो देखिए आप मैनेज हो जाएगा तो बहुत उसके लाइफ के या फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके सर ठीक है, ठीक है ओके। तो सर एक चीज और बताइए कि EE वाले नेम ज्यादा अच्छे नहीं होते क्या सर? ऐसा कुछ नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे रहते हैं, सिर्फ नंबर की वाइब्रेशन देखिए आप, देखो 1000 लोग अलग अलग टाइप के बताते हैं, जो अपनी जो न्यूमरोलॉजी है बहुत पुरानी है, एंशिएंट टाइम के 10,000 साल पहले की है, उस समय ऐसे EE, CCC का कुछ क्या कोई नहीं कैलकुलेशन नहीं था, जैसे नए लोग आते उसमें नए नए कैलकुलेशन लगा देते हैं, अपनी जो बेसिक है बेसिक के हिसाब से चलिए, आपको कोई इशू नहीं आएंगे, सिर्फ नंबर की वाइब्रेशन काम करती है, एक तो 5 और 6 पर लाओगे तो आपके बच्चे का अच्छा हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। राजेश पाठक जी प्लीज अनम्यूट करें। जी सर। साईराम सर। साईराम जी। और पूछे तो मेरे घर से बोलोगे? बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं जानना चाहता था, मैं किसान हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। प्रणाम साईराम। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर, आपका सवाल बोलिए। 6 अक्टूबर 1968। हाँ बोलिए, आप किसान हो, आगे बोलिए। अब मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूँ। हाँ। कर सकता नहीं कर पाऊंगा? कर सकते हो ना, बिंदास कर सकते हो, सोचते कि वो कर लो ना, अच्छा रहेगा आपके लिए व्यापार भी। क्या करूं? व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा, सोचो मत, कर लो व्यापार, आपके सूट करता है व्यापार आपको। क्या व्यापार करना चाहिए? व्यापार 1000 टाइप के रहते, आप सोचो क्या करना है, फिर हमको पूछ लेना, मैं करूँ कि नहीं करूँ ये बता पाएंगे, व्यापार तो अपने 1000 टाइप नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन आप सोच लो कोई भी काम बिजनेस में हो तो आपके लिए अच्छा है। बिजनेस अच्छा है? अच्छा है, आप सोचिए कौन सा बिजनेस करना है, फिर हमको 2-4 ऑप्शन देते ना, मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपको ज्यादा सूट करेगा, ठीक है? और मेरे बेटे के लिए पूछना चाह रहा था मैं, तो उसकी लाइफ कैसी रहेगी? एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं सर, एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कल भी वेबिनार, कल आप पूछ लेना।
मितु जी प्लीज अनम्यूट करें। नीतू जी प्लीज अनम्यूट करें जी। हाँ सर, मेरे भाई का नाम है भावेश जैन, डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1987। मैरिज में बहुत इश्यू आ रहे हैं सर, बहुत अड़चने आ रही है मैरिज में। ओके दीदी, जो 9-2 वाला कॉम्बिनेशन है ये तो मैरिज में इशू क्रिएट करता ही है। जो आपके भाई का कॉम्बिनेशन, आपको न्यूमरोलॉजी आती होंगी ना? हाँ सर, थोड़ा बहुत। और ऊपर से जो 9-2 आपका आ रहा है वो भी 18 तारीख से आ रहा है, 1-8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके भाई का। हाँ जी, 18, उसकी वजह से मैरिज में इशू आते हैं। और इसको बहुत बड़ा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है शादी करने के लिए। अच्छा, थोड़ा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो शादी के योग तो बन जाएंगे इसके। शादी तो है इसके योग में, ऐसा नहीं करूंगा शादी नहीं करेंगे, शादी तो पक्का करेंगे आपका भाई। लेकिन शादी का योग कब आएगा सर? बता रहा दीदी, ये जो योग है ना आपका, ये मेरे हिसाब से जून के बाद चालू हो रहा है आपका टाइम। जून 2022 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में शादी के अच्छे योग बनेंगे इसके। और लाइफ पार्टनर कैसी रहेगी सर? लाइफ पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, लेकिन ये 50-50 बोल सकते हैं एकदम अच्छी लविंग केयरिंग ऐसी, यानी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसके। आपको बोला मैंने पहले। ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वंदना जी प्लीज। तो दीपक चोपड़ा जी को ले लेना बाद में, इसके बाद में। जी सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए दीदी। बोलिए, जय साई राम दीदी, बोलिए। सर मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए सर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 2003। बेटी है ना आपकी? बेटी है सर। ये इंजीनियरिंग में जाएगी क्या? उसे इंजीनियरिंग करना चाहती दीदी, ये बताइए पहले कौन सी ब्रांच में जाना चाहती है। कौन सी में जाना चाहती? इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस? सर इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस में कह रही है। तो बोलो इलेक्ट्रिकल तो मत जाए, कंप्यूटर साइंस में अच्छा रहेगा इसके लिए। इलेक्ट्रिकल में उसको मजा नहीं आएगा, कंप्यूटर साइंस ले लेंगी या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में जाएंगी तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगी। ठीक है सर। और इलेक्ट्रिकल में बिल्कुल मत लेगा, इलेक्ट्रिकल में लेगा तो उसको उसमें फायदा नहीं मिलेगा बच्ची को आपके। सर बायो इंजीनियरिंग में जा सकती है? बायो इंजीनियरिंग कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल को छोड़ देना, सोचना बंद कर दो इलेक्ट्रिकल के बारे में। ठीक है सर। ठीक है सर। सीएस आईटी मैकेनिकल इतनी कुछ में अच्छे से कर सकती है बेटी आपकी। ठीक सर। एक चीज और पूछनी थी मुझे, अपने बारे में पूछनी थी। जब लास्ट वेबिनार था तब आपने मेरे से नंबर बोलने को कहा था, तो वो मैंने 65 कहा था, तो वो मेरी ग्रिड में नहीं है, तो मैं उसको हमेशा के लिए मान सकती हूँ? ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ओके देखो। जी दीपक जी। ओम साई राम जी। दीपक जी कैसे हो? बस सर आशीर्वाद है आपका। लास्ट क्लास में आपसे बात हुई थी जॉब चेंज करने के, आपने कहा अप्रैल मई में चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरी कंपनी ने जवाब दे दिया है अभी 2 दिन पहले। अच्छा अच्छा डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब मैं दुविधा में हूँ। मैं प्रभु जी डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। दीपक जी 6 जुलाई 1978। 6 जुलाई 1978 बरोबर? जी सर। दीपक जी आपको मैंने नेम चेंज कर, आपको मैंने नेम चेंज करने के लिए बताया, चेंज किए थे क्या आपने? सर आपने अभी तो कहा था नई क्लास में सीखेंगे, तो अभी सीखने के लिए मैंने कुछ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जॉब चली गई उस दौरान। मैंने कहा नया सेशन स्टार्ट करेंगे आपके साथ। अभी जो आपको अप्रैल मई बताया गया ना, उसमें चांसेस बन रहे हैं आपको नई जॉब की, चिंता करने की बात नहीं, फिर से नई जॉब आपको जल्दी मिल जाएंगी। अच्छा लेकिन सर अभी क्या करूंगा, 2-3 महीने जो खाली हो गया। आपसे 1-2 महीने के खाली, वो लोग तो 2-2 साल से खाली है। आपको तो नसीब अच्छा बुलंद है, क्योंकि आपको 1-2 महीने के अंदर फिर से जॉब मिल जाएगी, मैक्सिमम अप्रैल के पहले जॉब मिल जाएगी आपको।
सर एक जगह से ऑफर आ रही है लेकिन वो बिल्कुल स्टार्टअप है, क्या उसको ज्वाइन करना चाहिए? इतना ज्वाइन कर लीजिए, अभी जो टाइम है सर, आप कोई भी इसको छोड़िए मत, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक मिनट रखिए, ये ज्वाइन करने के बाद आपको ऑफर तो बहुत आने वाली है, अभी जो तीन चार मिनट में दो चार ऑफर पक्का आएंगे आपको, तो ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे ऑफर है तो छोड़ देना फिर से उसको। और सर क्योंकि आगे कहना बच्चे भी छोटे हैं, कैरियर उनका भी देखना, मेरा तो जो टाइम निकल गया लेकिन बच्चों का कैरियर है मेन, तो नहीं तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आपके कैरियर में ज्यादा दिक्कत नहीं, एक दो महीने की बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रखता कि आपको अप्रैल के पहले अच्छी जॉब मिल जाएंगी आपके लेवल की, आप जैसा आपको चाहिए वैसी जॉब तो पक्का मिल जाएंगी आपको। ओके, अगर स्टार्टअप में आपको मजा, स्टार्टअप में मजा नहीं आ रहा तो फिर उसको थोड़ा वेट कीजिए, दूसरी जॉब का भी ऑप्शन बन रहा है, लेकिन जहां तक मेरे जो क्लाइंट को मैं सजेशन देता हूँ कि जो भी मिल रही पहले ले लो, उसके बाद दूसरा और जॉब ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। हाँ जी बरोबर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। परमजीत देव जी प्लीज। ओम साई राम सर। ओम साई राम जी बोलिए। सर मेरी बेटी के बारे में मेरे को पूछना है, उसकी बर्थडे 15 सितंबर 1993। हाँ जी सर, उसका शादी का योग कब है? चालू हो गया दीदी, अभी तो मेरे हिसाब से तो शादी के उसको नवंबर से चालू हो गया आपके बच्चे के। अच्छा अच्छा, कभी भी हो सकती है ना, एक साल के अंदर कभी भी शादी हो जाएगी, दिसंबर 2022 के पहले शादी 100% हो जाएगी बच्चे के आपके। और सर उसको एनआरआई लड़का ही चाहिए, एनआरआई लड़का मिलेगा उसको? ये टाइम में जो चाहिए मिल जाएगा, ये जो टाइम चालू है नवंबर से लेके दिसंबर 2022 के बीच में चांसेस बहुत अच्छे ग्रीप आएंगे आपको। देखो एनआरआई लड़का चाहिए, सही बात है, तो जो आदमी भारत में हो सकता है ना वो आगे जाके फॉरेन में सेटल हो जाए, ये भी आप सोचिए, उसका कैरियर वाइज भी देखिए आप, ये हो सकता है आपका बच्ची आगे जाके फॉरेन में सेटल हो जाए। हाँ जी, और लव मैरिज है कि सर अरेंज मैरिज है? लोगों के चांसेस कम है, ज्यादा एकदम बहुत कम चांसेस, लोगों के 30-40% लोगों के चांसेस है, 60% अरेंज के चांसेस है। और सर किसी ने सिट्रिन पहनाने को बोला है तो पहनाना जरूरी है, जल्दी शादी हो जाए करके? नो कमेंट दीदी, उसमें कमें कमेंट नहीं करता, मुझे इतना बोल सकता आपका टाइम आ गया है, अभी आपका नवंबर से टाइम चालू हुआ है, नवंबर 21 से दिसंबर 2023 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। और सर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उसकी, कुछ बता सकते हैं? इसकी चिंता मत कीजिए, अच्छी रहेगी मैरिड लाइफ इसकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम जी। अशोक कुमार जी, अशोक जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1979। हाँ जी अभी डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से एक बार। 20 अक्टूबर 1979। बोलिए बोलिए सर। मैं शेयर मार्केट में कुछ करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग तो कर सकता हूँ मैं? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा तो आपके जो भी पैसे है ना, दो चार दिन फायदा मिलेगा तो हफ्ते भर लॉस मिलेगा आपको, तो आपके डेट ऑफ बर्थ से सूट नहीं करता है शेयर मार्केट। आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी है 29/10/1987। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो फिर अपने वाइफ के नाम से करो, लेकिन खुद के नाम से मत करोगे तो थोड़ा आपका लॉस में ज्यादा जाने के चांसेस है। तो वाइफ के नाम से प्रॉफिट होगा? अभी मतलब वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, हाँ तो लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं, तो एक चांसेस तो भी बनेंगे वाइफ में प्रॉफिट कमाने के, आपके डिग्रीज के हिसाब से तो पूरा लॉस ही लॉस रहेगा। अगर वाइफ की डेट ऑफ बर्थ से करोगे तो 50-60% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बनेंगे, 100% नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन 60% चांसेस रहेंगे उस केस में। तो सर मतलब कि एक कॉइन बिजनेस भी है, कॉइन क्रिप्टो करेंसी उसमें कर सकते हैं जो बिटकॉइन है? सर आप नहीं कर सकते, जो भी रिस्क वाली चीजें आप नहीं कर सकते, जो भी करना अपने वाइफ के नाम से करोगे तो फायदा तो मिलने के चांसेस है। अच्छा तो बिटकॉइन कर सकते हैं भाई? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और सर मेरे काम का बताओगे? वन क्वेश्चन जी ट्विंकल जी,
ट्विंकल सरदार जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो सर। यस मैम बोलिए बोलिए। नमस्कार। हस्बैंड की बर्थ डेट है 11th August 1983। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब वो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब तो अच्छी है लेकिन अगर आगे प्रोग्रेस का और कुछ प्रमोशन और चेंज करना है, हमें जंप लेना है तो वो हम ले नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या? जो प्रमोशन का जो चापका रुका है ना बहुत दिनों से, हाँ। वो अगस्त 2022 के पहले होने के चांसेस अच्छे खासे दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि अपना इनका चांसेस अगस्त 2022 के पहले प्रमोशन हो जाए, हो सकता है प्रमोशन के साथ हो सकता है कि कहीं और थोड़ा शिफ्टिंग भी होने के चांसेस बन रहे हैं। ओके ठीक है। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या दो नंबर वाले 6 नंबर फॉलो कर सकते, जिनकी बर्थडे 20 हो, 11 हो, 2 हो, क्या वो 33 हो, 15 हो, और जिनकी ग्रिड में 6 नहीं है उनको क्या हम 6 नंबर फॉलो कर सकते हैं, करवा सकते हैं उनको? करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते दीदी? देखिए सबके ग्रिड में देखना पड़ता नंबर मिसिंग कौन से है, उसका देखो नेम नंबर लेके जाने के पहले उसका पर्पस क्या है, मेन है ना पर्पस है, कोई भी नंबर मूविंग करने के पहले उसका पर्पस क्या है वो ज्यादा जरूरी है। पर्पस आपका अगर पैसा है, फाइनेंस है, प्रमोशन है, तो उसके नंबर 6 पे लेके आए पक्का प्रमोशन मिलेगा उसको। सिर्फ एक ही नंबर है जो 8 नंबर वालों का कभी 1 पे नहीं लाना, आप लोगों को इतना ध्यान रखिए बस। ओके, तो 2 नंबर वाले 6 नंबर फॉलो कर सकते हैं। तो अपने ड्राइवर कंडक्टर के आपके हस्बैंड का 24 है ना? हाँ। तो अभी आपके कंडक्टर आपकी एज, आपके हस्बैंड की एज रनिंग क्या है बताइए मुझे आप? 38 है। कंडक्टर तो फिर चालू हो रहा है आपका, है कि नहीं? हाँ। लाइफ के दो, आपको तो मालूम है, आपको लाइफ के दो फेस रहते हैं। पहले का जो फेस है 35-40 साल का फेस तो ड्राइवर रूल करता है, सेकंड फेस कंडक्टर रूल करता है 80%। तो आपका आपके हस्बैंड का ड्राइवर कंडक्टर 4 है। इसके मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 6 पे लेके जाइए, कोई इशू नहीं आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 का फेस चालू हो गया है और 6 के साथ 4 की जमती है, कोई इशू नहीं आएंगे उसमें आपको। ओके थैंक यू सर। पर ऐसा डिटेल में जाके देखना पड़ता तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए ये कई बार ये बोलते हैं कि 2 नंबर वाले को 6 फॉलो करने से, या क्योंकि 2 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता तो उसको नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप करके देखिए, नुकसान नहीं होगा। अभी वो बोलते हैं, मैं तो हम प्रैक्टिस करता हूँ, मैं तो जितने बोलते हैं मैं बोलने पे यकीन नहीं करता। मेरे जो भी फॉर्मूले है, जैसे 276 सब्सेंस है, ये किसने बोला कि भारत में आज तक ये फॉर्मूला सिर्फ मैंने लाया कि 276 सब्सेंस है तो शादी में इशू आएंगे। ऐसे वेबिनार रोज अब 10-12 केस आते हैं वेबिनार में, रोज मेरे पास खुद के इतने केसेस आते हैं। तो मैं जो आप लोगों को बताता हूँ प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये कॉपी किताब में जो लिखा ना ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, ये मैं नहीं बताता हूँ। आप इस पे अप्लाई कीजिए, आपके हस्बैंड की तरक्की मिलेगी और लाइफ भी अच्छे सेटल हो जाएंगी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू जी। जब आप इतना जानते ही हैं तो इसको और एक कदम आगे ले जाने के लिए हमारी वर्कशॉप आ रही है 3 दिन की, केवल 6 घंटे आती है, उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और ये 20 पॉइंट आपको ऐसे हो जाएंगे कि किसी भी समस्या का समाधान आपको हेल्थ के अलावा आप 100% निकाल पाएंगे और समस्या पता कर पाएंगे। और आप लोगों को एक बताया जाता है कि 3 का 6 एंटी है, 36 आंकड़ा है। मैं आपको बताता हूँ 3, 6, 9 कभी एक दूसरे के एंटी नहीं जा सकते। आप देखिए जिसका ड्राइवर कंडक्टर 3, 6 है उसका PY 9 हमेशा अच्छा जाएगा। ओके तो आपकी इसमें क्या, आपको बेसिक है ना, आपको सिर्फ कॉपी किताब वाली किताब चाहिए आपको पढ़े हो अभी तक, प्रैक्टिकल जब करूंगा ना आपको समझ सब चीज समझ में आ जाएंगी। 369 एक फैमिली मेंबर है, वो एक दूसरे की एंट्री नहीं जाते जितने बाकी लोग जाते हैं। एक बोलते हैं कि 3 है वो गुरु के देव है और 6 है वो दानव के देव है, तो ऐसा बोलते हैं कि दोनों का कैसा? सही बात है, एकदम सही बोलते हैं, लेकिन आज का कलयुग है, आज के गुरु के देव का भी काम है, दानव के देवता का काम है। तरक्की करना है ना अपने को, अच्छा भी बनना चाहिए, बुरा भी बनना आना चाहिए जब आदमी तरक्की करता है। इसके अंदर 3-6 कॉम्बिनेशन आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है थैंक यू। सचिन तेंदुलकर, अदानी, जेफ बेजोस, इतने हजारों लाखों लोग है जिसके 6-3 कॉम्बिनेशन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप आएंगे क्लास में, आएंगे आपको पता पड़ जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे। जी अनिल के गोयल जी। अनिल गोली इधर से जी। हाँ जी साईराम जी। साईराम जी बोलिए। मेरी बेटी ईसा गोल है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1996, उसकी शादी का पता करना था जी। 2 अक्टूबर 1996 जी। महात्मा गांधी की जयंती यही है ना? हाँ जी हाँ जी।
25 साल की कंप्लीट हो गई अंकल आपकी बच्ची अभी कि रनिंग रनिंग चालू है? हाँ जी, हाँ जी, 25वां कंप्लीट हो गया कि रनिंग चालू है इसका बच्ची का भी? 25वां कंप्लीट हो गया जी, 26वां चालू हो गया जी। 26 चालू हो गया ना इसका? हाँ जी। 26 के कंप्लीट होने के पहले आपकी बच्ची की शादी हो जाएंगी? ठीक है, धन्यवाद जी। एक दो महीने आगे भी हो सकता है, लेकिन 26 कंप्लीट होने यानी आपके दिसंबर में कंप्लीट, आपका अक्टूबर में कंप्लीट होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जनवरी 2023 के पहले शादी हो जाएंगी बच्ची की आपकी? ठीक है, धन्यवाद जी। हो सकता है कि ये जो बर्थडे आपके आने वाला बर्थडे बच्ची अपने हस्बैंड के साथ मनाए। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। सविता आई फोन प्लीज एडमिट करें। जय जय राम जी। सर मैं मेरा एक मकान है गुड़गांव में, मैं उसको करना चाहती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूरा वीडियो बंद करके बोलिए। वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो बंद कर लीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मैडम। सही अब आ रही है आवाज? गूंज रही है आपके? हैं जी, आवाज गूंज रही है आपकी। दो दो मोबाइल चालू है शायद आपके। एक मिनट, पूनम सूद जी अनम्यूट करें आप। हेलो, राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे बोलिए। सर मेरे को ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, उनकी प्रमोशन के लिए। मेरे दो क्वेश्चन है सर। डेट ऑफ बर्थ है सर 31/3/1973। हेलो, 31 मार्च 1973 यही बोले ना आपने? हाँ जी, हाँ जी सर। बोले क्या पूछना आपको सर? उनकी उनका मतलब गवर्नमेंट जॉब है पर प्रमोशन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं बन रही है। और जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें हमें मतलब कि कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। मुझे प्रमोशन के चांसेस इस साल भी कम लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले साल 23-24 में चांसेस बनेंगे। इस साल भी मुझे लग नहीं रहा है कि प्रमोशन बहुत अच्छा बड़ा प्रमोशन होने के चांसेस नहीं लग रहे मुझे अभी भी। और सर स्टडी में उनके एग्जाम देके प्रमोशन के चांसेस हैं क्या? स्टडी में बिल्कुल भी मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। यदि ये साल जो दिख रहा है ना, मैं आपको ये साल देखो, इस साल रुक जाओ, जो भी प्रमोशन के चांसेस बने स्टडी एग्जाम दे के पढ़े या कुछ भी करे, ये सब अक्टूबर के बाद ही चांसेस बनेंगे आपके। अक्टूबर तक चांसेस बिल्कुल नहीं है। जो चांसेस बनेंगे आपके अक्टूबर 2022 से लेके 22, 23 और 24, ये 3 साल में उनका प्रमोशन के डबल प्रमोशन के चांस है। हो सकता है कि कंटिन्यू 2 प्रमोशन भी हो जाए, या तो कुछ डबल प्रमोशन हो, ऐसे भी चांसेस बन जाएंगे इस लेवल में। सर कोई भी काम करते किसी भी काम में जस्ट नहीं मिलता, मतलब क्रेडिट नहीं मिलता किसी भी काम का। यदि इनके निम्न नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, अभी मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ, आप देखिए निम्न नंबर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से। लेकिन आपको जो प्रमोशन का जो मेन क्वेश्चन है, तो अक्टूबर तक नहीं होगा, अक्टूबर के बाद 2 साल इनके लाइफ में ग्रोथ के अच्छे चांसेस है, प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस है। थैंक यू, थैंक यू जी। सरोज जी, सरोज गोयल जी। हाँ जी सर। हेलो, हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मेरे है ना बेटे की पूछनी है मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आ रही है। सर उसकी है 8 दिसंबर 1997 बोर्न है। 1997 बोलिए क्या पूछना है सर? इसके आगे का पता है, पूछना है मुझे कि आगे स्टडी करेगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, क्या करेगा ये? फिलहाल क्या करता हूँ बताइए, आगे का छोड़िए, फिलहाल कुछ कर रहा है कि ऐसा ही है? फिलहाल तो ये अपने पिताजी की शॉप पर जा रहा है सर। काकी शॉप है पिताजी की? हैं? काकी शॉप है दीदी उनकी? इनकी जीन्स की शॉप है। ओके ओके। दीदी आगे चल के ये बिजनेस करेगा तो ज्यादा अच्छे, इसके लिए जॉब करेगा ज्यादा सुटेबल नहीं है। अगर बिजनेस पे आएगा तो कुछ दम के अच्छे से काम कर सकता है आपका लड़का। ये क्या इसी जॉब में रहेगा, मतलब इसी इनके बिजनेस में ही रहेगा? पापा के साथ ज्यादा दिन नहीं रहेगा इतना बोल सकता हूँ मैं आपको। खुद का बिजनेस चालू करने की कोशिश कर सकता है आपका लड़का। तो किस पर किस बिजनेस में जाएगा सर? बिजनेस 1000 टाइप के रहते हैं, आप उसको पूछिए कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, उसका 2-4 ऑप्शन मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ सर। जैसे इसने सिविल इंजीनियरिंग की है, हाँ,
तो किस में जाना चाहिए फिर? सिविल इंजीनियर काम करेगा तो भी अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम करेगा उसमें उसको फायदा मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टरशिप ले ले, तो सिविल इंजीनियर किया है ना इसने, तो गवर्नमेंट से भी फायदा इसको दिलाता है, गवर्नमेंट भी फायदा दिलाती है, तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टरशिप ले ले तो भी फायदा देंगी इसको। सर वो तो इसको मिल नहीं रहा ना कहीं से भी, तो कैसे करेगा? छोटी एज है ना, टीवी 24 साल के लड़के में नहीं मिलता, थोड़ी मेहनत करना पड़ता तो सबके टेंडर मिलते हैं धीरे धीरे, एक एक चीज मिलती, पहले 10 लाख का मिलता फिर 2 लाख का मिलता, कोशिश तो करने बताइए, पहले दिन करोड़ के टेंडर नहीं मिलते ना, तो इसके लाइसेंस, इसको लाइसेंस बनाने बताइए, प्रॉपर वे से जाने बताइए, सब कुछ होता है। अच्छा थैंक यू, थैंक यू जी। रचिता जी इस लाइन में जाए, ये सिविल की लाइन में जाए तो बेटर है। एक सवाल था मैडम, एक एक सवाल पूछिए प्लीज ना, थैंक यू जी। रचिता जी ओके जी, थैंक यू सर। हाँ जी गुड इवनिंग सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई। 31 जुलाई तीन सौ जम से बोलिए 31 7 जुलाई हाँ जी 1970 पूछी थी, क्या सवाल है आपका सर? मुझे अपनी फ्यूचर के बारे में जानना है, आगे फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। क्या करते हो आप? मैं अभी प्राइवेट स्कूल में ही हूँ टीचर। दीदी देखो मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि आपके लाइफ में जब भी जितनी पैसे की जरूरत गिरेंगे, जितने भी आपके काम में हाथ में कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे, कमाते रहोगे आप इतने आखिरी टाइम तक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स चालू रहेगा। नहीं कमाई बंद नहीं होने वाली आपकी, कहीं ना कहीं चालू आते रहेगा पैसा, कभी बच्चा दे देगा तो कभी कोई इन्वेस्टमेंट से पैसा आ जाएगा, क्या कोई ना वैसे आप कहीं ना कहीं से कमाते रहोगे लाइफ, मुझे मैक्सिमम टाइम लाइफ में आप कमाओगे। नहीं सर वो तो ठीक है, चलो जितने मेरे पास होते हैं सेविंग नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं खर्चा अननेसेसरी भी हो जाता है, लोन भी है, और मैं कोर्स करना चाहती हूँ अपग्रेड करने के लिए, न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है लेकिन वो कर नहीं पा रही हूँ, टैरो का सोचा था, न्यूमरोलॉजी को अपग्रेड करना है, और एक और कोर्स सोचा था रेकी वगैरह का, तो वो पैसे मेरे पास ना बचते नहीं है, कोर्स नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए पूछा था कि नेक्स्ट फ्यूचर में कैसे मेरा अपना ये हो पाएगा जो मैंने सोचा है, तो क्या इसमें सक्सेस मिलेगी? दीदी ये ऑकल्ट साइंस का जो काम कर रहे हो ना उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ा प्रॉपर वैसे प्रॉपर प्लानिंग करके कीजिए आप, तो आपको ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। मतलब प्लानिंग मतलब हर चीज का सिस्टमेटिक प्लान बनाए कि मुझे हर हफ्ते में 2 घंटे अपने क्लाइंट को देना है, मैं अननोन पर्सन के से कंसल्टेशन दूंगी, तो कुछ ना कुछ हर हफ्ते में 2 घंटे या 4 घंटे वीक में ऐसा दीजिए कि कोई आपको लोग पहचाने कि आपको ये काम भी आता है। नहीं अभी तो लोग काफी लोगों को पता है लेकिन पैसा मेरे पास नहीं बचता ना, रुकता ही नहीं है, खर्च हो जाता है। पैसा बचने का नंबर आपका नेम नंबर 5 और 6 पे ला लो तब पैसा बचना भी चालू हो जाएगा आपका, फर्स्ट नेम 5 पे लाओ, कंबाइन नेम 6 पे लाओ, तो लाइफ में स्टेबिलिटी पाएंगे, जो पैसा बच नहीं रहा है पूरा इधर उधर होता है वो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएंगी आपकी। हाँ जी वही ना, फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी। तो फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना तो आपको एक ही ऑप्शन है आपके लिए, फर्स्ट नेम 5 नंबर पे लाइए, कंबाइन नेम 6 नंबर पे लाइए आप। ओके ठीक, तो अभी तुरंत नहीं आएंगी, 5-6-8 महीने लगते उसको इम्प्लीमेंट होने में, तो अगर आप आज से चालू कर दोगे तो अगस्त तक आपके लाइफ में आपको दिखेगा पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं। अच्छा पॉजिटिव चेंज है, हाँ ठीक है, नंबर चेंज कीजिए लेकिन पहले आप। ठीक है जी थैंक यू जी। तो आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, 10 11 और 12 जनवरी से आ रही हैं ये, 666 जी जी। वैसे 2 मिनट पूजा करो जब तक आप थोड़ा स्लाइड के लिए बता दीजिए, पूजा करके चालू करते हैं, टाइम हो गया। 2 मिनट में वापस आया मैं जी जी। देखिए सब हर व्यक्ति जब कुछ सीखता है या कुछ नॉलेज गेन करता है या किसी भी क्लास में जाता है, किसी भी वर्कशॉप में जाता है, तो वहां से जिस दिन क्लास में जाता है और जिस दिन क्लास से निकलता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है, और ज्ञान जो नॉलेज होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही सुपर न्यूमरोलॉजिस्ट ट्रिक वर्कशॉप है, बहुत स्मॉल स्मॉल है, जिसको केवल लोशू ग्रिड बनाना आता है और पर्सनल ईयर निकालना आता है वो भी ये वर्कशॉप कर सकता है, और आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप तो और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो बैचिंग स्टार्ट हो रहे हैं 10 11 और 12 जनवरी से, टाइमिंग इसका 8:15 से 10:15 है, 2 घंटे की ये वर्कशॉप रहेगी, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है,
मात्र 6666 एनर्जी एक्सचेंज है जो कि बिल्कुल ही न्यूनतम है और केवल आपको जीवन के 6 घंटे देने हैं। इसमें हम काफी सारा कोर्स कंटेंट बताते हैं हम आपको, जैसे प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड टू 1 to 9 नंबर, डेस्टिनी साइकिक नंबर अपडेट कंपेटिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ। कभी भी कोई भी आपके पास आता है तो क्यों आता है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे या मेरे को लड़का होना है या लड़की होगी या मेरा बच्चा कब होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरी सक्सेसफुल लाइफ है कि नहीं है, मेरी लाइफ मैरिड लाइफ में सक्सेस नहीं आ रही है, यही सब कुछ लेके आपके पास आता है। तो ये सारी चीजें हेल्थ को छोड़कर किसी भी तरह का कोई भी बंदा आपके पास परेशानी लेकर आता है तो उसको आपको बताने में इजी रहेगा ये प्रेडिक्शन करने के बाद। अगर आपने कहीं से भी न्यूमरोलॉजी की हुई है और आप प्रेडिक्शन करने में असमर्थ है या आपको कम प्रेडिक्शन कर पाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को बेहतर बनाइए, एक कॉल कीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे कॉल कीजिए और जानिए 7665501 7665501 एक क्लास आपका जीवन बदल सकती है क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला लाइफ में। अगर आप प्रोफेशनली यूज नहीं करते तो भी अपने परिवार के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं, परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 7665501 थैंक यू वेरी मच। कल भी हमारा वेबिनार है, जिनका आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाए हैं उनका हम कल क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, कल हमारा वेबिनार है, कल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विवेक शर्मा जी को अनम्यूट करता हूँ मैं सर, विवेक शर्मा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, और जिनको भी क्वेश्चन आंसर लेने हैं प्लीज कैमरे ऑन कर लीजिए तो मुझे पता रहेगा मेरे को किसको अनम्यूट करना है क्या है, ऐसे तो दीवारों पे केवल नाम लिखे हैं तो पता नहीं चलता। इसके बाद जानवी गोयल जी का लेंगे, विवेक जी, जानवी गोयल जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए है। क्या काम करती हो दीदी? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मैं ऑकल्ट में भी थोड़ा सा करती हूँ, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग, पर वो साइड पार्ट टाइम जॉब की तरह थोड़ा मैं कर रही हूँ। लेकिन जो पार्ट टाइम कर रहे हैं ना आप पढ़ाते हो ना, टीचिंग का काम करते हो ना? हाँ जी, इंग्लिश टीचिंग। ओके, ये जो टाइम है ना अभी आपका, जो अभी एक साल के बाद से अगले साल से आपका टीचिंग और अकाउंट साइंस का टाइम चालू हो रहा है, इसमें आपको अच्छी प्रोग्रेस भी मिलेंगी, इसमें से आप पैसा भी कमा पाऊंगा, अपने जो आपको मिला नहीं जो आज तक आप स्ट्रगल कर रहे हो वो सब आपको अगले साल से मिलना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। इसके बाद का जो फेस है आपका गुरु का भी चालू हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में यही फील्ड में काम करके अच्छा काम कर सकते हो। अभी फील्ड मत चेंज करना, अकाउंट साइंस में भी अच्छा काम कर सकते हो आगे चल के आप। अभी तो सर अभी मतलब जैसे काम बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है बिकॉज़ ऑनलाइन है ना सब कुछ, तो इतने स्टूडेंट्स होते नहीं है, तो अभी कुछ इज देयर चांसेस कि काम बढ़ सकता है मेरा थोड़ा? दीदी अभी चांस नहीं है, अभी यानी आपको 4-5 महीने वेट करना पड़ेगा, अभी आपका PY9 चालू है ना? हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा 4-5 महीने वेट करो, इसके बाद मुझे मई जून से लेकर आपके एक बार जो प्रोग्रेस की गाड़ी चालू होगी उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर ही जाने वाले, नीचे नहीं आओगे। जो तकलीफ आपको 4-5 महीने हो रहा है उसके बाद आपकी लाइफ में आपको एक ये नहीं बोलूंगा आपका हवाई जहाज भग जाएगा, एक एक स्टेप करके आपको आगे जाऊंगा पीछे नहीं आऊंगा, ये मेरा बोलना है। फील्ड चेंज में नहीं करने का, ये फील्ड में काम करो और पार्ट टाइम हो सके तो अकाउंट साइंस और बाकी चीजों पर ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर चूजिंग मी सर। 17/4/1990 अनिश मोइत्रा, इनकी शादी का पूछना था और मकान का। 17/4/1990 जी जी जी। मेल की है ना ये? हाँ सर, हाँ मेल की है, मेल की है जी सर, मेल की। इनके साथ कौन है आपका, कौन है लड़की है आपका? सर मेरा बेटा है, बेटा है सर। ओके ओके।
शादी के लिए बहुत दिन से देख रहे हो लड़का मिल, लड़की अच्छी मिल नहीं रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर मिल नहीं रही है, जम नहीं जम नहीं रहा है मामला कुछ भी। एक्चुअली इसके जो मेन शादी के नंबर है उसमें तीन नंबर मिसिंग है। जी जी जी, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेवन तो आ रहा है इसके बाद, लेकिन तीन और दो नंबर थे जो वो भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से शादी बनते बनते बिगड़ जाती है। कभी कभी अपने रिलेटिव बीच में कुछ खाना पूछी कर देते हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो आपकी लड़की की शादी एक मिनट आप लोग की है, रनिंग एज कितनी है उसकी? उसकी मेरे ख्याल से 1990 मेरे ख्याल से 32। थोड़ा टाइम लगेगा शादी को, अभी आपके जून जुलाई के पहले शादी होने से रही होंगी तो जून जुलाई के बाद ही शादी के चांसेस बनेंगे। और थोड़ा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि शादी करा दो बच्ची की 19-20 करके। अच्छा हाँ, ज्यादा डिले मत करो क्योंकि शादी में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखा रहा है, डिले होगी तो और ज्यादा लंबी होती रहेंगी। अच्छा तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा अपने कॉम्प्रोमाइज जो भी जमता है जितना पॉसिबल है उतना करके कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। शादी सक्सेस जाएगी इसके सर? दीदी कैसे शादी सक्सेस जाएंगी नहीं जाएंगी, इसके दो नंबर के काम रहते, आपके जो बहू आएंगी उसकी भी डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा। अच्छा समझ गए। इसकी डेट ऑफ बर्थ देख के मुझे लग रहा है कि 40% सक्सेस के रेशियो है, बाकी बहू में क्या क्या रहेंगे उस पर डिपेंड करता बाकी। अच्छा सर, इसको कौन से नंबर की लड़की अच्छी रहेगी? वो पर्सनल कंसल्टेशन ले लेना मैडम, एक एक क्वेश्चन अभी ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे 5-6 नंबर पे ला लीजिए, 5-6-7 नंबर की कोई भी लड़की ला दीजिए अच्छी रहेगी इसको। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोमल जी सर। ओम साई राम। ओम साई राम सर, मेरा बर्थडे है 12 अगस्त 1985। क्या सवाल पूछिए आपके? सर सवाल ये है कि काफी टाइम से लाइफ ना एक ही उससे चल रही है, मैं ना जॉब ढूंढ रही हूँ तो जॉब भी मुझे मिल नहीं रही है मेरे पसंद की, ना ही मेरी शादी का कोई हो पा रहा है, मतलब दोनों क्षेत्र में कोई भी लक नहीं मिल रहा है। शादी का कुछ नहीं हो पा रहा है शादी, ऐसा कुछ किसका रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि आपके टाइम में आज तक आपको शादी का कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बातचीत तो चल। हाँ मतलब बातचीत भी क्या आपका वीडियो बंद कर दी थी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी बोलिए। हैंड्रेस करना पड़ेगा, हैंड्रेस करना पड़ेगा उनको, मैं नाम बोल दिया एक्चुअली, उन्होंने कहा कि म्यूट कर लिया था एक्चुअली। क्या नाम है? ये भी याद नहीं है उनका नाम। नाम याद नहीं, कोई बात नहीं, एंट्रेस कर लेंगे। सपना गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ, हाँ सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1974 जी। सर एक्चुअली मैं अभी टीचिंग लाइन में हूँ, बट ये तो मतलब मैं अपने बहुत मन से नहीं कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने जैसे अकल्ट साइंस में भी टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, तो क्या मैं इस लाइन में सक्सेस हो पाऊंगी अकल्ट साइंस में? आप एक नंबर बोलिए, 51 से लेकर 91 के बीच में। 91 के बीच में 74 जो आपके इसमें जो करने की जो काम करने की सोच रहे हो ना अकल्ट साइंस में, इसको आप ही खुद दुविधा में करूँ की नहीं करूँ, की आपके मन में इसमें चार विचार चलते हैं, ये करूँ कि वो करूँ, ये इसमें आप सक्सेस हो पाओगे कि नहीं, लेकिन आपके मन में ये भी आपके कंफर्म नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंटली आगे जाओगे काम में तो अच्छे से कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप सब कुछ भूल के ये काम कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर दिया कर दिया। मतलब ये अकल्ट साइंस में मैं आ जाऊं? सॉरी सर मेरी तरफ से नहीं है ये साउंड, आपकी तरफ से नहीं, वो हमारे पुरुषोत्तम जी की तरफ से, आप बोलिए आप। सर मतलब इसका मतलब मैं इस लाइन में अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लूं फिर? पूरा यानी पूरा सोचना नहीं, कर पाऊंगी नहीं करना ये नहीं सोचना है, कर सकते हो ये करके आप आगे जाओ तो कर लोगे, क्योंकि आपके जो आपने जो नंबर बोले वो आपको हमेशा दुविधा में डाल के रखता है, आपकी जो भी डिसीजन है ना ऐसे रहते हैं, कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा इस चक्कर में आपका, हाँ, वो कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये छोड़ दिए, मैं सिर्फ अकल्ट साइंस के लिए नहीं बोल रहा, कोई भी काम के लिए करना है कर दो, देखो जो भी अच्छा होगा बुरा होगा दो ही चीज होंगी ना, तीसरी कोई चीज ऑप्शन बचता नहीं है। अकल्ट साइंस में कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है, आप कौन से लाखों रुपए खर्च करना है, एक फोन होना, एक मोबाइल होना, लैपटॉप होना, वो जो आपके पास ऑलरेडी सबके पास रहता है आज की तारीख में,
तो इसमें बिना इन्वेस्टमेंट के काम चालू कर दो, उसमें आपका लॉस तो कुछ नहीं है ना, प्रॉफिट ही जो भी है बिंदास तो करिए, आपको कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, सोचना बन के काम करो, अच्छा मजा भी आएगा आपको। ओके थैंक यू सो मच सर। आपका नेम नंबर 5 पे लाइए, 5 और 6 पे। हाँ सर मेरा नेम नंबर मैंने 5 पर ही लाया, मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज की है, डबल एन ए और एच डाला है, फादर का नाम डाला है। आपका कंबाइंड नेम कहाँ, फर्स्ट नेम कहाँ पे आ रहा है आपका? मेरा 5 पर आ रहा है। फर्स्ट नेम जो नाम है आपका, नाम क्या है आपका? हाँ ऐसे पी एन ए है, तो ये पहले मतलब 5 पर नहीं था, लेकिन अब मैंने डबल एन किया है तो 5 पर आ रहा है। कंबाइंड नेम कहाँ पे आ रहा है? वो भी 5 पर ही आ रहा है, 5 मतलब 50 आ रहा है टोटल, तो 5 आ रहा है, तो भी अच्छा है। अगर ये काम नहीं करेंगे आपके साथ तो इसको एक काम करना, 3 पे भी ला सकते हो आप, फर्स्ट नेम 3 या कंबाइंड नेम 3 पे लाओगे तो गुरु की भी आपको सपोर्ट मिलेगा। पहले इसको चलने दीजिए 5-6 महीने। इसको ये मैंने अभी चेंज किया है, 2-3-4 महीने पहले ही चेंज किया है। तो 3-4 महीने और चलिए, इसको 8-9 महीने लगते वाइब्रेशन में देख लीजिए, कुछ पॉजिटिविटी आ रही तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 और 5 पे भी लाऊंगे तो आपको अपर साइज में सपोर्ट ज्यादा करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर जी। वो कोमल खत्री जी अनम्यूट हो गए सर। हेलो, हाँ जी दीदी बोलिए सर। सॉरी मेरा कनेक्टिविटी इशू आ गया था। नहीं बोलिए सर। 12th August 1985 है मेरा बर्थडे। ओके सर, क्वेश्चन वही है, मतलब दोनों ना पढ़ाई में ना मेरी शादी के उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही, पढ़ाई इन द सेंस मेरी जॉब में। शादी का मैं आपको पूछा था, ऐसे कोई चांसेस तो बने होंगे ना आपकी शादी होने के, या आसपास के शादी के आसपास कुछ ना कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, मतलब जैसे रिश्ते चाहिए वैसे आते नहीं, और अगर आते हैं ना तो वो मतलब बात आगे ही नहीं बढ़ती, कुछ कहीं ना कहीं अटक के बंद हो जाती है फिर। ओके ओके, आपको न्यूमरोलॉजी आती है दीदी? जी बिल्कुल यस। आपका फर्स्ट नेम कोमल नाम कहाँ पे आ रहा है? 8 कहाँ पे आ रहा है? 8-8 तो मैडम आपको न्यूमरोलॉजी कहाँ आती है? नहीं नहीं मेरा टोटल 5 पे आता है, मैं ये कह रही हूँ। टोटल 5 आने से काम नहीं होता, देखो जब भी है ना दोनों नाम और सरनेम दोनों काम करते कोई भी चीज के लिए, अगर आपका नेम 8 पे आ रहा है तो वो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल, अननेसेसरी स्ट्रगल पैदा कर देता है। तो कोशिश कीजिए फर्स्ट, हमने आपके लिए और क्लाइंट के लिए जो भी आप जिसको बताते हो सबके फर्स्ट नेम कंबाइन दोनों अच्छे नंबर पे आएंगे, जब आपको अच्छे सपोर्ट मिलता है वहां से। कंबाइन नेम तो 5 पे आ रहा है, जो फर्स्ट नेम वो भी बहुत मैटर करता है लाइफ में, आगे लेके जाने के लिए पीछे लेके जाने के लिए। तो कोशिश कीजिए वो आपकी लाइफ में ज्यादा अच्छे, अगर आपने अच्छे नंबर पे ला लिए आप तो 6 नंबर पे ला लो ना, कोई इशू नहीं है आपको, क्या तकलीफ है? फर्स्ट नेम शादी का कारक रहता है, पशु का कारक रहता है और बहुत सारी चीजों का कारक रहता है, और आपको जो आपको ऐसे दिमाग में होगा ना 3 का 6 एंटी होगा, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ में। आपसे 6 नंबर पे लाके देखो, आपकी जो आधी प्रॉब्लम है ना 60% प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। शादी भी अगर अगर नाम आपने कल चेंज कर लिया ना तो 6 महीने के अंदर आपकी शादी भी हो जाएगी, और जो आपकी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगी। फर्स्ट नेम तो फिर 8 पे रहेगा फिर भी। नहीं मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं डॉट भी लगा सकती हूँ, तो मेरा खत्री वैसे ही 6 पे चले जाएगा। डॉट से अपनी वाइब्रेशन खराब हो जाती है, डॉट मत लगाइए कभी भी नाम में। देखिए कुछ ना कुछ करके अगर आता हूंगा, फर्स्ट नेम 5 पे कंबाइन में 6 पे आ रहा तो बहुत अच्छी बात रहती है, फर्स्ट नेम 8 पे सूटेबल नहीं है, इवन तो फर्स्ट नेम 1 पे आ गया कंबाइन में 6 पे आया तो भी चलता है आपको। सरनेम ही 6 टोटल आता है ना, तो मेरे को फर्स्ट नेम अगर एडजस्ट करना है तो 5 पे नहीं हो पा रहा है, वो मैंने करके देखा था। बट एनीवे सर वो योग दिख रहे हैं, मतलब मैं नाम तो चलो मैं सोच लूंगी उसके लिए, ए डाल के या वैसे करके कुछ भी बता रहा हूँ आपको। रनिंग एज कितनी आपकी दीदी अभी? 37 रनिंग एज आपकी जी, और ये गया अगस्त उससे। अभी मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, ये आपका 37 ईयर कंप्लीट होने के पहले बहुत अच्छे चांसेस से आपके इवेंट बना लाइफ में, ये जो चालू है 37 ईयर आपके लाइफ में इवेंट है। तो इवेंट कैसे 1-2 महीने आगे भी चलता है, तो हो सकता है आपके अक्टूबर तक या मैक्सिमम नवंबर के पहले शादी के चांसेस बन जाए आपके,
और ये टाइम में जो भी आएगा शादी का अच्छे ऑप्शन आएंगे आपका, थोड़ा एडजस्टमेंट करके शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके, क्योंकि आपका जो रनिंग ईयर चालू, आपके इवेंट ईयर चालू है, इवेंट ईयर में जिसकी शादी रुकी हुई, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, सब इवेंट ईयर में हो जाते हैं। ये जो आपके बर्थडे से 2 महीने पकड़ लो एक्स्ट्रा, आप नवंबर के पहले आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। अभी अब्रॉड से आते हैं तो वो एक्सेप्ट करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं इन जनरल पूछ रही हूँ, मतलब नहीं कर सकते ना आप, आराम से कर सकते, मुझे कोई इशू नहीं लग रहा आपके अब्रॉड भी जाने का इशू नहीं है। क्यों तो आपके जो ग्रिड दिखा रही है ना, वो आपको हस्बैंड आपको ज्यादा प्यार करेगा ये जायज नंबर पे, आपकी जो फ्यूचर की जो लाइफ है शादी के बाद की ज्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। ओके ठीक है, मतलब आते हैं ना अब्रॉड से रिश्ते पर वो कुछ ना कुछ चीजों की वजह से है ना रुक से जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, बस ये दिक्कत। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी जो टाइम आपके लगता है इवेंट चालू है, जो आपको अक्टूबर तक आपके लगता है इवेंट चालू है, इवेंट ईयर चालू है आपका, जो आपके पिछले बर्थडे से चालू हुआ है, ये टाइम में आपके लाइफ में पक्का अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, से आप उसको कैच कर लेना, छोड़ना मत। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, नेम नंबर चेंज कीजिए, उसका फायदा मिलेगा आपको। फर्स्ट नेम तो कुछ भी करके 8 से आगे जा ही नहीं रहा है, पर कोशिश 8 पे ला लीजिए ना, 1 पे ला लीजिए, 7 पे ला लीजिए, और क्या बोलूं मैं आपको, पर टोटल जो है ना वो 4 पे चले टोटल मैंने कोशिश बहुत की है सर, मैंने की भी है, ऐसा नहीं है, बट हाँ ठीक है चलो, आप एक और बार मैं एटलीस्ट टोटल 6 पे लेके जा सकती हूँ, मैं फर्स्ट नेम में थोड़ा नहीं हो पा रहा है, और कुछ नहीं, मैं 8-9 छोड़ दो, बाकी फर्स्ट नेम कहीं भी ला लो आप, 8-9 छोड़ के कहीं भी ला लो, सब चलता है आपको। आपको फ्लैट है वो रेंट पे नहीं जा रहे हैं, 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहाँ पे है सर फ्लैट? पार्डन सर, फ्लैट कहाँ पे है? पुणे में। 26 मार्च 1975 बोले ना आपने? 26 मार्च 1975। एक नंबर बोले 31 से लेके 51 के बीच में। 50 कितना? 50 तो दो चीज हो रही सर आपके साथ रविराज जी, क्या हो रहा है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपका, जो आप सोच रहे कि मेरा जो भी फ्लैट है जो आपकी वैल्यू है उतनी वैल्यू वाला कस्टमर आपको नहीं मिल रहा है। बरोबर है ऐसे, तो उसके लिए आपको देखो उतनी वैल्यू आपने जो सोच करके उतनी वैल्यू थोड़ा आपको डिक्रीज करना पड़ेगा रेट आपके, क्यों जो आप नंबर बोल रहे हो वो सीधा दिखा रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन उसके कस्टमर नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि थोड़ा एडजस्टमेंट करके आप काम कर लो, क्योंकि आपकी जो भी वैल्यू होंगी उसमें से आपको 4-5% बिलो जाके लेना पड़ेगा काम आपको। लेकिन कभी तक होएगा सर ये रेंट पे कब तक जाएगा? अगर आपने रेट पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपके 5-6 महीने में जाने के चांसेस बन रहे हैं, अगर नहीं किए तो भी डिले होने के चांसेस पक्का है। आपके जो रेट फिक्स किए ना उस हिसाब से रेट नहीं आएंगे, अगर आप वो रेट पे फिक्स रहोगे तो साल भर का भी डील हो सकता है, 6 महीने का डील हो सकता है, अगर थोड़ा कम कर लूंगे या थोड़ा एडजस्टमेंट करूंगे तो जल्दी चले जाएगा आपका फ्लैट। ओके थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अलका चौहान जी अनम्यूट करें प्लीज, बात करें। नमस्कार सर। बोलिए जी सर, मुझे ये पूछना था गवर्नमेंट जॉब। बहुत नॉइस आ रही है जी सर, नॉइस आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए जी सर। मुझे पूछना था गवर्नमेंट कब तक हो सकता है चांसेस? डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। 21 अक्टूबर 1993। 21 अक्टूबर 1993 ना जी सर। ओके एज कितनी चालू दी थी आपकी अभी, रनिंग एज कितनी है? सर मेरी 28। 29 ईयर जो आपकी रनिंग चालू होंगे वो टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है आपके। 29 ईयर जब रनिंग चालू होगा आपकी लाइफ में, 28 अभी कंप्लीट हो जाएगा आपका अक्टूबर में ना। जी जी सर। जैसे 29 चालू होगा जो एक साल के जो पीरियड रहेगा ना, ये वाले बर्थडे से 23 वाले बर्थडे तक, वो टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस है, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो कमिंग बर्थडे ना वो टाइम से आपका इवेंट चालू हो रहा है जो 1.25 साल चलेगा। जी जी सर। तो उस टाइम पे अच्छी मेहनत कीजिए, वो टाइम पे जॉब मिल जाएगी आपको।
जी और गवर्नमेंट की जॉब की कोशिश कीजिए, वहाँ ज्यादा चांसेस आपको मिलने के। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अनमोल जी, अनमोल वचन जी, अनमोल वचन। सर हरविंदर, हरविंदर कौर। कोई बात नहीं, बोले दे दे। मैंने मैसेज किया था सर आपको ना। देखिए आपको बच्चा कूद तो नहीं रहा ऊपर से? नहीं जी नहीं, वो बेटा है। बोलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 20th November 1984। पीस नंबर 1984 बरोबर? सॉरी 81। पक्का? 20th 1981। पीस नंबर 1981 बरोबर दीदी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोलिए क्या पूछना है आपको? मेरा मतलब जो है फाइनेंशियल स्टेटस कब ठीक हो सकता है? पहले आप वीडियो बंद कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। वीडियो बंद कर दीजिए, पहले आपकी आवाज क्लियर तो भी आएंगे। हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटस कब तक ठीक रह सकता है, हो सकता है? आपके कमाते हैं, आपके घर में कमाने वाला आप कमाते हो, आपके हस्बैंड कमाते हैं? पहले तो मैं अर्निंग कर रही थी, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन साइड बाई साइड जो है ना मैं पार्लर की होम सर्विस देती हूँ। ओके ओके दीदी, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है क्या कहते हैं 20th October, 20 अक्टूबर 1974। जो फाइनेंशियल जो कंडीशन बोल रहे हैं ना, ये आपकी थोड़ा पिछले 2-3 सालों से डाउन दिख रही है मेरे को, ज्यादा ही डाउन है। हाँ जी, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्रूवमेंट के, जो चांसेस है ना अभी आप 2-4-5 इस साल भी थोड़े अच्छे चांसेस नहीं है, लेकिन अगले साल से आपका मुझे अक्टूबर के बाद से इम्प्रूवमेंट के चांसेस है दोनों की चार्ट में, आपके और आपके हस्बैंड दोनों की देख के मैं बता रहा हूँ आपको। अक्टूबर तक थोड़ा फाइनेंशियल तकलीफ और ज्यादा रहेंगी आपकी, लेकिन अक्टूबर 2022 के बाद इम्प्रूवमेंट के चांसेस अच्छे खासे है आपके इसमें, उसमें तक अक्टूबर 2022 के बाद दीदी। 2022 की 23 के बाद, 22 के बाद बोल रहा हूँ दीदी, 22 के बाद चालू साल चालू ना, ये 4-5-8-9 महीने तकलीफ है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अभी जो काम चालू, ये नहीं बोलूंगा कुछ भी नहीं आएगा, काम चलने के लिए पैसे तो आएंगे, लेकिन जैसा आपको चाहिए ना, जो आप सोच के रखे हो वैसा इम्प्रूवमेंट आपको अक्टूबर 2022 का देखने मिलेगा। अच्छा जी, वैसे घर की कंडीशन सब ठीक रहेगी, क्योंकि मतलब हस्बैंड सुनते नहीं है मेरी। अरे हस्बैंड किसके नहीं सुनते है, और वाइफ किसकी नहीं सुनती है, ऐसा ही है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे उनकी फैमिली है उनकी फैमिली का सुनो, लेकिन एक काम, मुझे ये सब डिटेल में अपन बात कर लेंगे कल, मुझे कॉल 11 बजे आप कॉल कर लेना, ठीक है? मम्मी कितने बजे सर? 11 बजे कल मॉर्निंग में। हाँ दीदी मॉर्निंग में 11 बजे कॉल कीजिए, फुर्सत में आखिर 2 लोग को लीजिए जल्द से। जी श्वेता जी, श्वेता जी थैंक यू। ब्रदर वैभव श्रीवास्तव के लिए पूछना चाहती हूँ सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ 6 December 1984। लास्ट किसको लेंगे, लास्ट लॉटरी किसको? वैभव श्रीवास्तव। हाँ बोलिए, डेट ऑफ क्या है? 6 December 1984। जी आगे बोलिए। उसकी हम शादी जो है कब होगी, मतलब कोई लड़की हम लोग को नहीं मिल रही, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी नहीं लग रही है, मतलब जितना उसको मिलता बहुत कम, उतना खत्म भी हो जाता है, और शादी के लिए मम्मी बहुत परेशान है, फादर है नहीं। दीदी इसके लाइफ में कोई लड़की आई नहीं, ऐसा नहीं लग रहा मेरे को, कोई ना कोई तो कोई ना कोई इसके रिलेशन होंगे। नहीं नहीं कोई नहीं है अभी, अभी जल्दी ही एक रिश्ता आया है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उस लड़की की 16 December 1995। अगर 16 दिसंबर 1995 है तो साथी बिना सोचे करा दो लड़की की, तो बहुत अच्छा सूट करेंगी। वो लोग तो पसंद कर रहे, बस हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इनकी सक्सेस होगा इससे कि नहीं होगा। नहीं नहीं आप, मैंने बोला आपकी जो डेट ऑफ बताया ना आपने, उससे उसकी शादी करा दो, आप सोचना बंद करो, तो उसके लिए शादी करा दो, बाकी अच्छा हो जाएगा। आपकी इसके भाई के साथ क्या तकलीफ है? आपके भाई के साथ ये जो भी लोग आते, जो भी रिश्ते आते, उसमें पॉजिटिव नहीं निकलता, वो नेगेटिव ढूंढना चालू करता है उसमें से। जी जी जी, तो इसकी ये आदत है, यानी हैबिट ही होगी इतने दिन से, थोड़ा सा काम करते करते पॉजिटिव फोकस करेंगे, शादी इसकी होने के चांसेस बन रहे हैं,
जो रिश्ता आप 16 तारीख बोल रहे ना वो रिश्ता इसके लिए अच्छा है, ऐसे बेकार रिश्ता नहीं है। अच्छा अच्छा, बाकी आप देख लीजिए आपकी फैमिली का, लेकिन रिश्ता वो अच्छा रहेगा इसके लिए। तो वो लड़की लेकिन कुछ कर नहीं रही और इसकी भी जॉब बहुत अच्छी नहीं है, तो कैसे आगे चलेगा? नहीं, जो लड़की आज नहीं करी वो लड़की कल नहीं करेंगी, इसकी गारंटी नहीं ना। कल मैं कोई ये काम नहीं करता था 6 महीने पहले, अभी आज कर रहा हूँ, कल हो सकता नहीं भी करूँ, तो अपन किसी का फ्यूचर नहीं देख पाते ना। वो लड़की अच्छी रहेंगी इतना मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे ना उसका फ्यूचर। जी जी जी, बिल्कुल, ये फर्क रहता है। इसके नेगेटिव चीज ढूंढना बंद कर दो, पॉजिटिव देखो। अगर आपको अच्छी है दिखने में, आपके भाई को पसंद आ रही, आपकी फैमिली मैच कर रही है, तो कीजिए। नौकरी तो आज कल मिल ही जाएगी, नौकरी कहाँ भग रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नीलम जी, यस, ओम साई राम सर। सर मेरे को ये पूछना था कि मेरी डॉटर का शादी हुई थी 2019 में, 3 साल पहले, तो बिल्कुल मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। उसने 1.5 ईयर साथ रहकर देखा, तब भी ठीक से नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है सर उनकी 15 जनवरी 1992, और अभी वो मेरे पास है 1.5 साल से। तो अभी डिवोर्स का मतलब चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कैसे आगे स्टेप ले, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। 15 जनवरी आपकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, 15 जनवरी 1992। आपकी जवाई की क्या है दीदी? उनकी है 29/8/1989। 8 अगस्त में ना? हाँ जी हाँ जी, वो पहले दिन से ही लाइक कुछ उनको कोई ना मैं हाँ जी बोलने दीजिए, तो पता हाँ आप सभी को पता है कि मैं क्या का एस्ट्रोलॉजिस्ट। हाँ जी, कुछ मुझे भी मौका दे दीजिए तो मेरे आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ जी सर। ओके, कहाँ से बात कर रही दीदी? मैं नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। ये जो है ना, ये जो आपके हस्बैंड और वाइफ की जो भी आप डेट ऑफ बर्थ बताया ना, इसमें शादी के 2 महीने भी नहीं पटता है। पहले दिन दूसरे हफ्ते भर से इनकी झगड़े चालू हो जाते हैं, मनमुटाव चालू हो जाते हैं, इमोशनल फिजिकल और मेंटल तीनों रिलेशन कभी बन नहीं पाते इन लोगों के। तो मेरे आपके एडवाइस है कि आपकी बच्चे अगर इसके जितने दिन भी रहेंगी ना, एक पल भी अच्छे से नहीं रहेंगी। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आप इसका डाइवोर्स ले लो। हाँ, पर अभी डिवोर्स कब तक मिलेगा वही तो हम ट्राई करें, क्योंकि वो 1.5 साल से अभी मेरे पास है और हम ट्राई करें, तो वो लड़का घुमा ही जा रहा है, मतलब वो बात पे आता नहीं टर्म्स पे कुछ भी, ना तो उसको ठीक से रखना है ना वो छोड़ता है। देखो करंट साल चालू ना, मार्च 2023 के पहले इसको मार्च 2023 के पहले इसको डाइवोर्स मिलने के चांसेस अच्छे है, लेकिन आपको भी एफर्ट लेना पड़ेगा उसके लिए। इसका पर्सनल फोर चालू है जो कोर्ट मैरिज कोर्ट में डाइवोर्स में बहुत जो करता है, सपोर्ट करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी इसको थोड़ा प्यार से दुलार से जो भी है आप अच्छे समझा के मार्च 2023 के पहले डाइवोर्स ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। 2023 में होगा, अभी 22 में नहीं कुछ भी होगा, बता रहा मैं। अभी आपका टाइम चालू है डाइवोर्स का, अभी से लेके मार्च 2023 के पहले कभी भी डाइवोर्स हो सकता है। इसके अलावा अच्छा। एफोर्ट लीजिए और उसके पीछे लगिए, आप थोड़ा फोर्सफुली लगिए। लड़की ने बहुत कोशिश की, जॉइंट फैमिली में रहकर भी, अकेले रहकर भी, लड़का बिल्कुल बता रहा रिश्ते में कितना भी चलो कोशिश करके, मतलब नहीं, इसका हिस्सा अलग हो जाइए और दूसरा देखिए ज्यादा अच्छा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। हाँ जी, तो लड़की का आगे सेटल होगी ना, मतलब वो ही मेरे को चिंता है। थैंक यू फॉर शोकम सर। थैंक यू। देखिए जिनका भी क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं उनका, कल भी हमारा वेबिनार है, जिस भी ग्रुप में आप हैं वहां पर आइए, आप सबसे हाथ जोड़कर हमारी क्षमा याचना है, क्योंकि टाइम की कोई बाउंडेशन रहती है, क्योंकि 1-1.5 घंटे तक लगातार बोलने पर सर भी थक जाते हैं, एनर्जी एक लेवल तक काम कर पाते हैं। और मैं आप सबको केवल इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी वेबिनार में आए तो डेट ऑफ बर्थ बताएं और स्पेसिफिक क्वेश्चन बताएं जो भी आपके मन में चल रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अगर आप 3-4 बार घुमा घुमा के अलग तरीके से बोलेंगे, या मैडम अभी सब कुछ खुद ही बता रही थी तो हम क्या बताएंगे। दूसरी बात यह है कि पूर्णता कहीं मौजूद नहीं है, आप जहां पर भी हैं आप हमेशा बेहतर कर सकते हैं और आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे कब? जब आप नॉलेज गेन करेंगे। वेबिनार में आकर एक क्वेश्चन पूछकर बहुत खुशी होती है आपको, फ्री में मेरी कंसल्टेंसी मिल गई, 1000 रुपए बच गए, 2000 रुपए बच गए, लेकिन सोचिए अगर आपने केवल 6,000-10,000 रुपए देकर किसी की क्लास कर ली या कुछ सीख लिया और आप दूसरे के बारे में प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं, आप कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, 1000 रुपए लगा देते हैं, और अपने बच्चों की लाइफ सुधारने के लिए अगर किसी चीज का नॉलेज मिल रहा है तो उसको जरूर लेना चाहिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने आप को बेहतर बनाइए
नॉलेज गेन करिए, किसी भी तरह का क्लास रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे को कॉल कर सकते हैं आप 7666555 0178। वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी आज हुई है वो आपको इसी जिस भी ग्रुप में आप है वहां शेयर कर दी जाएगी, और उस ग्रुप पे बने रहिए क्योंकि उसमें नॉलेजेबल चीजें और भी आती रहती है, और भी कोई वेबिनार होते हैं तो उसमें शेयर किए जाते हैं। इसलिए आपने ये मत सोचिए कि आज हमारा काम हो गया तो हम ये ग्रुप लेफ्ट कर दें, क्योंकि इसमें आपको और भी नई नई नॉलेज की चीजें मिलती रहेंगी। ओम साई राम टू एवरी वन, सभी लोगों को कल मिलते हैं जी। ओम साई राम जी, ओम साई राम।